Xiaomi के Mi Band 4 के साथ Mi Band 4 में एक नया अपडेट आया जिसके थ्रू आप अपने हार्ट रेट की जो आपकी रीडिंग्स होंगी, अपने हार्ट की जो रीडिंग्स होंगी उनको शेयर कर सकते हैं विद एनी कनेक्टेड स्मार्टफोन और एनी अदर कनेक्टेड स्मार्ट डिवाइस। सो इससे आपको अपने हेल्थ का, अपने हार्ट रेट का एक ट्रैक रखना बहुत इजी रहेगा। और इसके साथ साथ बहुत सारे नए फीचर्स Mi Band 4 में अब लेके आया है Xiaomi। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो वॉच फेसेस आपको देखने को मिलते हैं Mi Band 4 में, आफ्टर द लेटेस्ट अपडेट आप उनको रेट कर पाएंगे 1 to 5, सो दैट जो डेवलपर्स हैं उनको पता चले कि कौन से वॉच फेसेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से वॉच फेसेस बहुत घटिया हैं एंड कौन से वॉच फेसेस को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और साथ ही साथ जो सेटिंग्स मेन्यू है इसका Mi Band 4 का, उसमें भी एक रीवैम्प आपको देखने को मिलने वाला है। सो इफ इन केस यू वांट टू डाउनलोड द लेटेस्ट अपडेट फॉर द Mi Band 4, आपको Mi Fit ऐप को सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पे लेके जाना पड़ेगा और उसके बाद वहां से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। आज मैं भी अपने Mi Band 4 को अपडेट करने वाला हूं अभी इस वीडियो के खत्म होते ही। सो इफ यू वांट मी टू मेक हैंड्स ऑन वीडियो ऑफ सम सॉर्ट्स, मैं आपको वो वीडियो बना के भी दिखा सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। आगे की वीडियो तो बढ़ने से पहले कल का पोल देख लेते हैं। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था थॉट्स ऑन द MIUI 12 फीचर्स। 88% पीपल आर सेइंग दे आर अमेजिंग, जबकि 11% लोग कह रहे हैं दे आर एवरेज, कुछ इतना उनको MIUI 12 के फीचर्स खास नहीं लगे। बट ट्रस्ट मी, आपको मैंने कल की वीडियो भी वैसे बताई थी, आपको MIUI 12 अगर इंस्टॉल करना है या फ्लैश करना है उसके लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, आप वो देखो। और उसमें अगर आप देखोगे लास्ट में जाके हैंड्स ऑन MIUI 12 इज अ सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट ओवर द MIUI 11। जब Redmi Note 8 सीरीज लॉन्च हुई थी इंडिया में और कंपनी ने MIUI को जब अनवील किया था, आई वॉज देयर एट द लॉन्च इवेंट एंड आई स्टिल रिमेंबर Xiaomi के कुछ ऑफिशियल्स मेरे से मिले थे और वो कह रहे थे कि आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे MIUI 11 में। बट ऑनेस्टली मेरे को 11 में इतने ज्यादा चेंजेस वगैरह कुछ मैंने नोटिस नहीं किए थे। MIUI 12 की अगर आप बात करो तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ सब्सटेंशियल देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं Honor की तरफ एंड Honor 10X स्मार्टफोन जो कि जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। 10 अब इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह अब सारी आ चुकी हैं और आज Honor X10 के बारे में एक और नई न्यूज निकल के आई है। इस स्मार्टफोन में सोनी का एक कस्टम IMX600Y सेंसर देखने को मिलेगा। सब देखते हैं ये परफॉर्म कैसा करता है असली लाइफ में, बट अभी के लिए कंफर्मेशन आ चुकी है कि कस्टम सेंसर हमें देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ OLED डिस्प्ले भी कंफर्म हो चुकी है Honor X10 स्मार्टफोन में। सो OLED डिस्प्ले है यहाँ पे, आपको अच्छा खासा कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और अगर आप रियर की बात करो तो ऑलमोस्ट जितने Honor के अभी लेटेस्ट स्मार्टफोन है वैसा ही आपको Honor X10 देखने को मिल रहा है। 5G सपोर्ट भी है। सो Honor 9X से अगर आप कंपेयर करो इट्स अ वेरी बिग अपग्रेड ओवर द प्रीडिसेसर। आगे बात करते हैं Nokia की और Nokia 9 प्योर व्यू स्मार्टफोन में फाइनली Android 10 अपडेट अब रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है इंडिया में। सो इफ इन केस आपके पास एक Nokia 9 प्योर व्यू स्मार्टफोन है इंडिया में, आप अभी इस पे अपना Android 10 अपडेट इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं Google की तरफ एंड Google Pixel 4a स्मार्टफोन जो कि जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। अब एक न्यूज निकल के आएगी भी 22nd ऑफ मे को ये स्मार्टफोन सेल पे जाने वाला है यूरोप में एंड इंडिया में अभी इसके बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट अगर Google Pixel 4a में वो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स ना हुए जो कि Google Pixel 4 और ओवरऑल 4 सीरीज में थे, हो सकता है Google Pixel 4a स्मार्टफोन इंडिया में भी लॉन्च हो जाए। आगे बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ एंड सैमसंग का एक नया अल्ट्रा बजट स्मार्टफोन, अल्ट्रा बजट तो नहीं लेकिन 10,000 के आसपास ये स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है, सैमसंग गैलेक्सी M01 अब गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग पे सर्टिफाई हो चुका है। उसमें हमें कुछ स्पेसिफिकेशन इसकी पता चल चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल Qualcomm Snapdragon 439 चिपसेट इसमें होगा जो कि आज के जमाने के हिसाब से देखा जाए तो काइंड ऑफ इट्स अ डेटेड प्रोसेसर। 3GB रैम इसमें हमें देखने को मिलेगी एंड ऑलमोस्ट सारी की सारी स्पेसिफिकेशन आ चुकी है, मैं आपको स्क्रीन पे इसकी स्पेक्स दिखा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं ब्लैक शार्क की तरफ एंड ब्लैक शार्क ने अपना ब्लैक शार्क 3 स्मार्टफोन फाइनली लॉन्च कर दिया मलेशिया में। इसका प्राइसिंग वगैरह मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। RM2799 का इसका प्राइस रखा गया है मलेशिया में। इंडिया में लॉन्च के लिए अभी भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। आगे बढ़ते हैं वीवो की तरफ एंड वीवो Y50 स्मार्टफोन तो ऑलरेडी आ चुका है, बट वीवो Y50 का जो मॉडल नंबर था वो अब IMDA सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे फिर से सर्टिफाई हुआ है, बट दिस टाइम इट हैज NFC सपोर्ट। सो वीवो 1935 जो मॉडल नंबर है अगर Vivo Y50 का है तो भाई एक नया Vivo Y50 हो सकता है मलेशिया में, इंडोनेशिया में, एशियन कंट्रीज में लॉन्च हो जाए जिसमें हमें NFC सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। Vivo Y50 इज अ बजट ओरिएंटेड या मिड रेंज स्मार्टफोन। सो Vivo 1935 करके जो मॉडल नंबर है वो अब IMDA सर्टिफिकेशन पे आ चुका है विद NFC। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ग्लोबल वेरिएंट जो होगा Vivo 1935 का उसका नाम Vivo Y50 ही होगा या इसका नाम कुछ और रखा जाएगा। आगे बात करते हैं Huawei की। Huawei के एक नए ब्लूटूथ वायरलेस स्पीकर अब सिंगापुर में सर्टिफाई हो चुकी है एंड इसका मॉडल नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। जल्दी ही हो सकता है ये जो ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं इंडिया में भी आ जाएं, क्योंकि आपको एक हिंट एक लीक दे रहा हूं Huawei और Honor की तरफ से बहुत सारे वायरलेस एक्सेसरीज हमें जल्दी ही इंडिया में देखने को मिलने वाली है जो कि ऑडियो
वाली कैटेगरी में होंगी। सो ईयरबड्स, TWS और बहुत सारे ब्लूटूथ स्पीकर्स हमें जल्द ही इंडिया में भी देखने को मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं Meizu की तरफ। Meizu 17 और Meizu 17 Pro स्मार्टफोन्स अगले हफ्ते लॉन्च होने वाले हैं। Meizu 17 Pro के लिए आज कंपनी ने एक नई कंफर्मेशन और एक बहुत इंटरेस्टिंग कंफर्मेशन हमें दी है कि इसमें एक 32 मेगापिक्सल्स का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें हमें 129 डिग्रीज का फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलेगा। सो Meizu 17 Pro इज गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ स्मार्टफोन। वंस अगेन आई एम रियली सैड, इंडिया में ये स्मार्टफोन लॉन्च नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं LG की तरफ। एंड जस्ट लाइक द Meizu 17, अगले हफ्ते LG Velvet स्मार्टफोन भी लॉन्च होने वाला है। एंड आज LG Velvet के कुछ टियर डाउन इमेजेस वीवो पे लीक हुए थे, एंड उन टियर डाउन इमेजेस से कंफर्म हो चुके कि LG Velvet में हमें 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। एंड साथ ही साथ LG Velvet WPC या फिर वायरलेस पावर कंसोर्टियम करके जो वेबसाइट है या फिर एक सर्टिफिकेशन एजेंसी है, वहां पे भी सर्टिफाई हो चुका है। एंड वहां से हमें पता चल रहा है कि LG Velvet में हमें 10 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं iQOO की तरफ। iQOO Neo 3 स्मार्टफोन फाइनली फर्स्ट सेल पे गया चाइना में, एंड अच्छा खासा यहाँ पे स्कोर गया। 30,000 यूनिट्स को iQOO ने पहले ही सेल में सोल्ड आउट कर दिया। सो दैट मींस iQOO Neo 3 इज परफॉर्मिंग वेरी वेल इन चाइना। इंडिया में भी ये स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च हो सकता है मेरे हिसाब से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जून महीने में हो सकता है स्मार्टफोन लॉन्च हो जाए। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन iQOO Neo 3? अगर ये इंडिया में लॉन्च हुआ, क्या आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होंगे या नहीं? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आगे बढ़ते हैं Realme की तरफ। और Realme ने Realme 3 और Realme 3i स्मार्टफोन्स में फाइनली Realme UI को पुश करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपके पास Realme 3 या फिर Realme 3i में से कोई भी स्मार्टफोन है, अब आप Realme UI को एंजॉय कर सकते हैं अपने इन स्मार्टफोन्स में। अगर आपको Realme UI के बारे में ज्यादा नहीं पता, बाय द वे इट्स अ वेरी ओल्ड OS नाउ। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में हैंड्स ऑन वीडियोस वगैरह बना ही दिए, बट मैंने भी एक अर्ली हैंड्स ऑन वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे, आप उस वीडियो को जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं Redmi की तरफ। एंड कुछ टाइम पहले एक खबर निकल के आई थी कि Redmi K30 का एक नया टोन डाउन वेरिएंट आने वाला है, Redmi K30i। एंड आज एक Redmi का नया मॉडल नंबर 10 पे सर्टिफाई हुआ है, उसको वो कह रहे हैं Redmi K30 ही कह रहे हैं, बट उसमें हमें 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर की जगह एक 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर देखने को मिल रहा है। बाकी की स्पेसिफिकेशंस आर मोर और लेस द सेम। 4400 mAh बैटरी यहाँ पे Redmi K30 में हमें 4500 mAh बैटरी देखने को मिलती थी, और यहाँ पे 4400 है जो कि 10 पे लिस्टेड है। तो हो सकता है जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें भी 4500 mAh बैटरी ही देखने को मिलेगी। सो Redmi K30i बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, 5G स्मार्टफोन होगा, Snapdragon 765G पे ही रन करेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो देखते हैं अब ये स्मार्टफोन किस प्राइस रेंज पे लॉन्च होता है। अगर ये अच्छे खासे प्राइस पे लॉन्च हुआ और इंडिया में ये रीब्रांड होकर आ गया, तो इट इज टर्निंग आउट टू बी अ गुड स्मार्टफोन। आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ। और Xiaomi आज ग्लोबली 3 स्मार्टफोन्स लॉन्च करने वाला है, एटलीस्ट 3 स्मार्टफोन्स लॉन्च करने वाला है, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro और Mi Note 10 Lite। सो तीनों ही स्मार्टफोन्स के लिए एक जो लॉन्च इवेंट का जो स्टेज होता है उसकी एक इमेज लीक हुई थी, उसको मैंने ट्वीट किया था कुछ टाइम पहले, वहां पे तीनों नाम लिखे हुए हैं। सो Redmi Note 9 आज आप ऑलमोस्ट कंफर्म लेके चलोगे लॉन्च हो जाएगा। वंस अगेन अभी 4 बज रहे हैं, सो जब तक आप ये वीडियो देखोगे वैसे भी आपको उसके बारे में कंफर्मेशन मिल ही जाएगी। सो Redmi Note 9 जैसे ही लॉन्च होगा ग्लोबली, उसके बाद इंडिया के लिए कुछ ना कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ट्वीट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और उसके साथ ही साथ मनु कुमार जैन ने एक ट्वीट किया नया Mi 10 स्मार्टफोन के बारे में। सो Mi 10 भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है इंडिया में, K30 Pro भी इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। सो Xiaomi, Mi, Redmi और Poco की तरफ से बहुत सारे स्मार्टफोन्स आपको अगले 2 महीने में देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो खत्म करने से पहले कल के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। मयूर कह रहे हैं, आई लव योर कंटेंट, थैंक्स अ लॉट, आई एम अ मेंबर ऑफ स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी, थैंक्स अ लॉट, वंस अगेन वेलकम टू द स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी ऑल ऑफ यू। एंड ब्रदर, कैन यू अनाउंस गिव अवे ऑफ अ स्मार्टफोन सो दैट हूएवर विंस कैन रिजॉइस आफ्टर द लॉकडाउन इज ओवर? दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। अगर आप चाहते हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं सोच रहा था गिव अवे के लिए 50,000 के आसपास, बट स्टिल इफ यू वांट अभी हमें गिव अवे करें लॉकडाउन के पीरियड में, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो आप में से किसी एक या किसी दो या किसी तीन बंदे को कुछ ना कुछ गिफ्ट देखने को मिल जाए, कमेंट सेक्शन में आज आप सारे लोग लिख के बताओ कि यस हमें एक गिव अवे करना चाहिए। बहुत टाइम हो गया स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी ने किसी गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया, बट उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज इस वीडियो को लेट्स ट्राई टू हिट 500 लाइक्स। सो यूजुअली हमें 200 के आसपास लाइक्स आते हैं, अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स आ गए और कमेंट्स आपने बहुत सारे भर दिए कि गिव अवे हमें चाहिए, तो मैं प्रॉमिस करता हूं इसी हफ्ते के एंड तक आपको एक गिव अवे देखने को मिल जाएगा। आगे रूपक पवार कह रहे हैं, लास्ट में जो बोलते हो भैया वो एकदम ऑसम लगता है, थैंक्स अ लॉट ब्रदर, फिर से बोलूंगा अभी थोड़ा, जस्ट गिव मी वन मोर मिनट, क्योंकि मैंने साइलेंट लव DRN का कमेंट भी पढ़ना है। वो कह रहे हैं मुकुल सर वेरी नाइस कंटेंट वीडियो, ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऑडियो क्वालिटी ठीक करो। मैं हमेशा आपकी वीडियोस देखता हूँ, वीडियोस अच्छी हैं लेकिन ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्लीज ऑडियो क्वालिटी को बेटर करो, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है सर, थैंक्स लॉट ब्रदर। यस, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हम माइक वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे और आपको ऑडियो क्वालिटी की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अदर देन दैट
अगर कोई भी इशू है आप जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, आई ट्राई टू इम्प्रूव एज मच एज पॉसिबल। सो देयर गो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू डिड लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी, गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस।